सो मैच की शुरुआत होने जा रही है। रात्रिकालीन क्रिकेट अब पूरी तरह से आपके सामने दूधिया रोशनी में। तानाजी सुधार के नए ओवर की पहली गेंदपारी का आगाज होता हुआ सिंगल रन से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। हम बहुत बहुत आभारी हैं एजी टिकेटिंग, पर्शिया दरबार, जैद एंटरप्राइजेस, रईस लश्करिया साहब, कोहिनूर मैकेनिक इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, न्यू स्टील फर्नीचर, सेवन स्टार डिजिटल, अमर रेस्टोरेंट, एफ मीडिया सॉल्यूशन, जे जलेबी। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो रन। राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल, क्लासिक इंटरनेट सर्विसेज, सुपर स्टील कॉरपोरेशन, आरएफ एंड शाह इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेक्स फर्न, सोरठिया मुस्लिम गाची समाज, मोहम्मद माड़ा। थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सर्स। आनंद नगर टाइटंस पहले बॉलिंग कर रही है टॉस जीतकर। बल्ले का मोटा सिरा, एक रन, स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ थ्री। वसीम और सोहेल ये दो ओपनिंग बैटर है, पहला ओवर कर रहे हैं तानाजी सुतार। ये हमारे तमाम दर्शक छोटे बच्चे हैं, देखिए हो सकता है कल सुबह स्कूल नहीं है तो आज थोड़ा वक्त बिताएं, लेकिन अपने साथ स्वेटर, जिपर, शॉल लेकर जरूर आए, ठंड बढ़ रही है। बढ़िया ड्राइव, आवाज यहां तक सुनाई दी थी जब गेंद और बल्ले का मिलन हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ बगैर कोई नुकसान के चार रन। हजारों की तादाद में इसको यूट्यूब पर हमारे दर्शक पिछले दो दिन से देखते आ रहे हैं। एक बेहतर बॉल स्ट्रेट एंड फुल लगभग चौथे स्टंप पर और स्कोर चार, गेंदे हुई है चार। वसीम दो बॉल एक, सोहेल दो बॉल दो। इस बार बेहतरीन शॉट है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, ये लगा गगनचुंबी छक्का। शाम का वक्त हो चला है, और नाइट क्रिकेट की तरफ अब हम आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी शाम, कल शाम 7 बजे के आसपास इसका आगाज हुआ और देखिए बिल्कुल क्या तस्वीर है कैप्चर की है 70-70 स्पोर्ट्स ने। पहली नजर में देखो तो ऐसा लग रहा है कि मानो पाब्लो पिकासो ने इसको ड्राइंग करके बनाया है, पेंट किया है, ऐसी खूबसूरत तस्वीर है 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। टेलीकास्ट का बादशाह 70-70 स्पोर्ट्स,
विपुल पांडुलकर और उनकी टीम, नए ओवर करेंगे अखिलेश चौहान जिन्होंने कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी आज सुबह में। दोनों टीमें आज ही के दिन जीतना चाहेंगी। वैशाली रेंजर्स कल जीत नहीं पाए थे, हार जीत का फैसला केवल बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं फील्डिंग पर भी होगा। और उठा दिया इस बार कैच का मौका, हाथ से रोका नहीं गया, बॉल गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। कर दे हल्ला वसीम 14 पर, खाली टर्न कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 19 पर पहुंचा। वैशाली रेंजर्स अपनी गलतियों से सीखते हुए इस मैच में, यह बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन ने भी तो कौन बनेगा करोड़पति में यही कहा है, सीखना बंद तो जीतना बंद। आप या तो जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, आप हारते नहीं। इस बार खेला है ऑन साइड पर 1 रन, स्कोर 20 पर। इम्तिहान की घड़ियां हर एक की जिंदगी में आती है, काम में, कारोबार में, पढ़ाई में, बिजनेस में, दुकान में, लेकिन सीखना होगा। स्कोर 20 विदाउट लॉस। इस बार एक और बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है ऑन साइड पर, 1 रन और। दूसरे को तब्दील करने जा रहे हैं वहां पर और पूरा कर लेंगे, ऐसी स्थिति में रन आउट हो गए। सुशांत मांजरेकर ने तीसरे अंपायर की मदद नहीं ली, उन्हें पता था कि ये आउट है, सीधी उंगली ऊपर उठा दी और आउट हो गए। अब नए बैटर है सुफियान, अब धीरे धीरे दर्शक अब यहां पर लौट चुके हैं, रात जैसे ही ढलेगी और दर्शकों के आने की उम्मीद है। ठंडा मौसम है लेकिन ठंडी की परवाह किसे है, जोगेश्वरी में जब तक बाबा फालूदा मिल रहा है, चाय मिल रही है, मुंबई सेंट्रल जूस एंड स्नैक सेंटर, कैच इन द क्राउड मिल रहा है, आना तो पड़ेगा और चंगेज भाई को दिया हुआ वादा तो निभाना पड़ेगा। देखिए दूधिया रोशनी के क्रिकेट की एक खास बात यह है कि रोशनी चाहे कितनी भी हो, आपकी आईसाइट बॉल को कितना जल्दी पिक कर पाती है, इसके ऊपर भी स्कोर का दारोमदार रहेगा। रात में 21 पर एक दूसरा ओवर, स्ट्रोक बढ़िया है और गेंद के नीचे आने का प्रयास भी है लेकिन आखिरकार कैच नहीं हो पाएगा, बॉल चली गई मैदान के बाहर।
में 27 रन, 1 विकेट, 13.5 रन के औसत से बल्लेबाजी। वसीम खेल रहे हैं 17 पर 7 गेंदों का सामना किया है। सुफियान 2 गेंदों में 6 पर खेल रहे हैं। सेवेंटी सेवेंटी के यूट्यूब चैनल पर ये लाइव टेलीकास्ट आप वैशाली रेंजर्स को देख रहे हैं। वैशाली नगर सदाशिव अमरापुरकर साहब की याद आती है जब वैशाली नगर की बात होती है। यही जोगेश्वरी से एक नायाब हीरा बॉलीवुड में कैरेक्टर कम विलेन के रूप में आपने देखा। नए ओवर की शुरुआत और उंगली ऊपर उठी, आउट होकर लौटना होगा। समस्या हर रोज है और विकेट की समस्या अगर है तो आपके पास रिंकू सरोज है। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, नए बल्लेबाज आ चुके हैं अब सरफराज। देखिए जब आप बॉल को स्टंप पर करते हैं तो आप नो बॉल नहीं करते, आप वाइड बॉल नहीं करते। सरफराज 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, तालियों से स्वागत किया गया आउट होने वाले बैटर का। लेकिन रिंकू सरोज क्या सरोज अब नए बैटर को किस तरह गेंद करेंगे? सरफराज बॉल खेला ऑन साइड पर, 1 रन पूरा हुआ, दूसरा लेना चाहते हैं, वहां पर विकेट गिरना तय। अब वैशाली रेंजर्स क्या कर रहे हैं? खुद के विकेट खुद कुर्बान कर रहे हैं। आनंद नगर टाइटंस ने एक अच्छा काम किया है, नियमित अंतराल पर विकेटें गिराई है, गुच्छों में विकेटें ली हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। सुबह भले मैच हारे हैं, सुबह हमारी नहीं थी लेकिन शाम हमारी है। ट्वेंटी एट फॉर थ्री। रिंकू सरोज एक युवा खिलाड़ी, देखिए लगभग 19 से 22 साल के बीच की जिसकी उम्र है, ऐसा खिलाड़ी नाम कमाने के लिए अब वो क्रिकेट के मैदान में उतर पड़ा है। इस बार स्ट्रोक लाजवाब है, देखना होगा बॉल जाएगी मैदान के बाहर। चक दे इंडिया, जब पंजाब से ड्राइवर दिल्ली की तरफ चलते हैं तो ये बात बोलते हैं, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, स्वेर नु जलंधर शाम नु दिल्ली। तो बिल्कुल चक दे फट्टे वाला क्रिकेट ये। इस बार स्वीप करना चाहते थे, वहां पर अच्छी वापसी रिंकू सरोज द्वारा। ये बहुत जरूरी है कि जब आप एक चौका छक्का खाते अच्छी वापसी करें। कम बैक इज बेटर देन सेट बैक, ऐसा कहा गया है, ऑलवेज मेक अ कम बैक।
never go for any setback. 34 for 3. एक और बढ़िया गेंद, टर्न और बाउंस के जरिए रिंकू सरोज ने बल्लेबाज को परेशान किया। आज के शेड्यूल का ये छठवां मैच, इसके बाद चार मैच और खेले जाएंगे, कल 10 मैच रहेंगे और फिर क्रिसमस के दिन हमें पता चलेगा, नुमाइशी मुकाबले रहेंगे 3 और फिर 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। इस तरह के मैचेस तीन ओवर 34 रन 3 विकेट, वैशाली रेंजर्स की भी तारीफ करनी होगी, 3 विकेट भले ही गिरे हैं 34 रन उन्होंने लिए हैं और रात में 34 रन अगर आपने 3 ओवर में बनाए हैं मतलब आपने अच्छा काम किया है। देखिए रात के स्कोर आपको 80-90 नहीं मिलेंगे, रात के स्कोर आपको 50-55-40-45-42 ये स्कोर मिलेंगे और इसको मद्देनजर रखते हुए वैशाली रेंजर्स ने बहुत उम्दा बल्लेबाजी की है। रिंकू सरोज 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, नए ओवर करेंगे तानाजी सुतार, बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है चौथे ओवर में, जहां अधिकांश टीमों ने पांचवा ओवर बैटिंग पावर प्ले लिया है वहीं पर कुछ टीमों ने दूसरा भी लिया है, तीसरा भी लिया है, चौथा भी लिया है। पावर प्ले कब लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सीमित ओवर के क्रिकेट में पावर प्ले एक लाइफलाइन है, स्कोर 34 फॉर 3 आफ्टर 3। सरफराज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, इसके पहले भी बड़े स्ट्रोक मेकर हैं। एक हाथ से अड़ाया और कैच कर लिया गया है, वहां पर देखना होगा तीसरे अंपायर की मदद बीमर के लिए। फरीद ने कैच लिया है और कैच की खुशी आई भी और साथ में रेफरल भी हुआ, क्या किया जाए। तानाजी मुंबई सेंट्रल स्नैक्स एंड जूस सेंटर का वाउचर दिया गया, अगर आप कैच लेते हैं तो आपको वाउचर मिलेगा, सीधा जाइए जूस पीजिए जान बनाइए। मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग याद है ना, जूस पीवानू मज्जानी लाइफ, जूस का बादशाह मुंबई सेंट्रल स्नैक्स एंड जूस सेंटर। सोरठिया मुस्लिम घाची जमात प्रेसिडेंट मोहम्मद माड़ा इनका नाम है हर टी शर्ट पर, एंड ही इज आउट। फरीद ने कैच लिया, आउट होकर वापस जाना पड़ेगा सरफराज को। पटेल जोगेश्वरी का एक बहुत बड़ा सितारा जो ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट खेलता है,
चंगेज भाई और उनकी टीम को दिखाया जा रहा है। एक्सलेंट शो, 34 for 4, फोर्थ ओवर। इस टूर्नामेंट के लिए जो हमें स्पॉन्सरशिप मिली है, मतलब इन सभी का शुक्रिया अदा करना ये ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पर दो रन प्रमेय पटेल ने पूरे किए। प्रमेय एक ऑलराउंडर हैं, दो रन पूरे करते हुए प्रमेय पटेल बैटर भी है, बॉलर भी है, वो खुद स्कोरर भी है। अपने क्रिकेट को बहुत गंभीरता से लेते हुए प्रमेय पटेल। सो हम आभारी है एजी टिकेटिंग, पर्शिया दरबार, जैद एंटरप्राइजेस, रईस लश्करिया साहब, कोहिनूर मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, न्यू स्टील फर्नीचर, सेवन स्टार डिजिटल, अमर वेज रेस्टोरेंट, एएफ मीडिया सॉल्यूशन, जे जलेबी, राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल, क्लासिक इंटरनल सर्विसेज, मेमन रियल्टर्स, इस बार कैच का मौका है और जुनैद मेरे ख्याल से स्पेशल थैंक्स टू क्लासिक इंटरनेट सर्विसेज, सुपर स्टील कॉरपोरेशन, आर एफ एंड शाह इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनिक्स फन, सोरठिया मुस्लिम गांची जमात, प्रेसिडेंट मोहम्मद माड़ा। जुनैद ने आज सुबह भी वहां दो कैचेस लिए थे, ओवर भले उनका 24 रनों का रहा था लेकिन जुनैद को अगर एक बार मौका मिलेगा तो एक अच्छा ओवर फिर कर सकता है। लेकिन इस वक्त 5 विकेट गिर चुके हैं वैशाली रेंजर्स के। 4 ओवर खत्म भी नहीं हुए और आधी टीम अगर आउट हो गई है तो ये गेंदबाजी में अच्छी वापसी कही जाएगी। सरफराज एक बड़ा अट्रैक्शन थे बल्लेबाजी का, लेकिन उनका विकेट यहां पर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नए बैटर है अकीब खान जो जुड़ चुके हैं सरफराज अली के साथ। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए तानाजी सुतार, अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर। बढ़िया बॉल थी यहां पर बाय का ये इशारा। थर्टी सेवन फॉर 5, 3 एक्स्ट्रास, 2 बाईस, 1 वाइड। फोर्टी वन फॉर 5, बल्ले का निचला सिरा और एक रन डीप थर्ड मैन पर। स्कोर 42 for 5 आफ्टर 4 ओवर्स। तानाजी सुतार 2 ओवर 18 रन 2 विकेट। हम बहुत बहुत आभारी है रोजवाल्ट रियल्टी, रोजवाल्ट जाइडन, थैंक यू सो मच। टिमटिमाती हुई ये लाइटें और ठंडी के मौसम में मुंबई का क्रिकेट अब खिल चुका है।
अपने पूरे शबाब पर UJPL सीजन 5 फाइव स्टार टूर्नामेंट रिंकू सरोज अगला ओवर प्रारंभ करेंगे। शॉट को चेक किया एंड वक्त पर उसे अपिश खिला और ये अपरकट उन्हें रन दिला देंगे। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में लगाते हुए दोनों बैटर्स, उन्हें पता है जब चौका छक्का न लगे अगर दो डबल भी लेते हैं तो एक चौके के बराबर है, तीन डबल लेते हैं तो एक सिक्स के बराबर है। सुनील गावस्कर ने कई मर्तबा कहा है सिंगल्स आर लाइफलाइन ऑफ लिमिटेड ओवर्स गेम। सीधी सटीक गेंदबाजी और उसे खेलते हुए एक रन पूरा किया, एक को दो में तब्दील किया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी वैशाली रेंजर्स द्वारा। दौड़ते रहना होगा 47 for 5। बहुत अच्छी स्थिति में अब नजर आ रहे हैं क्योंकि 60 के आसपास भी अगर स्कोर पहुंचता है आसान नहीं रहेगा आनंदनगर टाइटंस के लिए दुधिया रोशनी में 60 को चेस करना। कल हमने देखा 40 42 45 38 32 33 ऐसे स्कोर दिखे अलग अलग पारियों में। इस बार बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के जरिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। रिंकू सरोज की अगली गेंद इस बार पीछे जा चुकी है, इस बार भी दो ले लेंगे। बाई के दो रन। अकीब ने इस बार खेल दिया, क्षेत्र रक्षक का वहां पर ध्यान नहीं था, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, अब जाकर उसे रोका। घास में रुकी हुई गेंद अचानक ही दोनों बैटर्स जो है दौड़ रहे हैं, फिसलने का खतरा भी है लेकिन दौड़ रहे हैं। 56 for 5 यही क्रिकेट है, जब चौके छक्के न मिले तो सिंगल डबल से, लेकिन गाड़ी अपनी चलाते रहो, जो गति में रहेगा वही प्रगति करेगा, जो रुक गया समझो झुक गया। इस बार हुक कर दिया है, कैच उड़ा जरूर है, हालांकि डीप फाइन लेग पर जाती हुई गेंद और एक रन और। सरफराज अली एक उपयोगी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, 5 ओवर का खेल समाप्त, 57 for 5 10.40। अकीब खान 5 for 9, सरफराज 8 for 15।
आखिरी ओवर करेंगे उबैद, 5 ओवर 57 रन 5 विकेट, रिंकू सरोज 2 ओवर 20 रन 1 विकेट। आखिरी ओवर की पहली गेंद इस बार फाइन लेग और थर्ड मैन के बीच में से जाती हुई, पूरा डाइव लगा दिया था, मखमली घास पर डाइव लगाने का मौका मिले तो कोई क्यों छोड़े। अगले मैच की दोनों टीमें जो हैं टॉस के लिए हाजिर रहे, इनिंग खत्म होने के बाद तुरंत टॉस होगा। इस बार फिर से 2 रन, डबल रन का अहमियत समझते हुए दोनों बल्लेबाज, उन्हें पता है दोनों की कॉलिंग अच्छी है, रनिंग अच्छी है, टर्निंग अच्छी है, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी, अच्छे तालमेल के साथ ये रन बनाए जा रहे हैं। 61 पर 5 छठवां ओवर। अब ये एक अलग ही अनोखा अंदाज, द्वारा और इस बार अब्दुल रहमान ने तान दिया, एक हाथ से रोकने का प्रयास था, अब्दुल रहमान तेज कदम भागते हुए 1 रन पूरा किया और वहां पर अंपायर के इशारे का इंतजार और यह लगा छक्का। लेकिन अब्दुल रहमान कहां मानने वाले थे, 67 for 6। हुआ है वो 6 के जरिए। विकेट नंबर 7 सो आखिरकार अब्दुल रहमान इनको लौटना होगा अपने बैटर के साथ। अकीब खान ने 9 रनों की अच्छी पारी खेली, देखिए उनके कंधे पर शाबाशी देते हुए अब्दुल रहमान। फाइनल स्कोर 75-76 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। आइए चलते हैं अशरफ भाई के पास नेक्स्ट टॉस के लिए।
मैं गुजारिश करूंगा मुकर्रम गहलोत साहब से कि अगले मैच के टॉस के लिए आइए। मुकर्रम गहलोत साहब, मुकर्रम गहलोत साहब, मुकर्रम गहलोत साहब टॉस उड़ेंगे सर। कॉल कौन लेगा? वर्सोवा वॉरियर्स और माड़ा चैलेंजर्स के बीच टॉस होने जा रहा है। हेड इज द कॉल फ्रॉम जॉन्टी एंड टेल इट इज वर्सोवा वॉरियर्स ने टॉस जीता है। क्या लेंगे आप? फील्डिंग सर। वर्सोवा वॉरियर्स टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन ने एसोसिएशन विद ओशिवरा स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 5 रॉस्पर्ट कप पावर्ड बाय चंगेज मुल्तानी बचरी रंजन सर आनंदनगर टाइटंस के बीच मुकाबला जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। अजय और फरीद गेंदबाजी करने के लिए पर मैं इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पावर प्ले का ये पहला ओवर है, बहुत क्रुशल रहेगा। इस वक्त ब्रांच स्लिप पॉइंट का बा उसके साथ एक खिलाड़ी बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर बिल्कुल। इस वक्त देख रहे एक खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑन क्षेत्र में है मिड विकेट, उसके साथ स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है।
प्रतियोगिता का दूसरा दिन दूधिया रोशनी में यह टूर्नामेंट रमे की पहली गेंद और टप पकाने के बाद उछलता बैकपुट जाके गेंद को एक बार फिर पुल करना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। गेंद जाते हुए स्क्वेयर लेग की तरफ एक रन का इजाफा और स्क्वेयर लेग पर बढ़िया फील्डिंग होती। सुपेन ने गेंद को रोक लिया था और बढ़िया फील्डिंग इन्होंने किए एक रन के साथ। बल्लेबाज अजय का खाता खुलता हुआ। फरीद और अजय दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो दोनों के पास काबिलियत है। प्रमेय ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, मतलब उच्च गत के गेंदबाज हैं, हाई एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज फरीद, ओ अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव भी किया है। गेंद जाते हुए मिड ऑन क्षेत्र में एक रन का इजाफा, बढ़िया फील्डिंग एक बार फिर हो रही है। सोहेल ने गेंद को रोक लिया था, एक रन का इजाफा, इस बार सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो रन बगैर किसी नुकसान के। अजय उपाध्याय बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर और शानदार खेल इनका रहता है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रमेय की बात करें तो यह भी एक प्रतिभाशाली गेंदबाज, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर, ऑफ टाइम के बाहर खेलने की कोई चेष्टा नहीं है। गेंद बिल्कुल काफी ऑफ टाइम के बाहर है तो वाइट बॉल का इशारा होता हुआ, नियंत्रण की जरूरत, देखिए कहां गेंदबाजी, काफी ऑफ टाइम के बाहर, वेल लेफ्ट किया, मतलब एक बार पे सही छोड़ा है अजय उपाध्याय ने, तीन रन बगैर किसी नुकसान के। ये भी गेंद ऑफ टाइम के बाहर कट करना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद थी ये, एक बार फिर पहली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ी हरकत तो कर रही है, लेकिन इस वक्त अगर देखे तो नियंत्रण अच्छा था, सही ठिकाने में गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद एक बार थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर जाते भी गेंद, प्रमेय जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो हो, ब्रॉकल में गेंदबाजी कर रहे हैं, लो बुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, यहाँ खिलाड़ी बॉल रिटर्न पर मौजूद है, गिटारे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, यहाँ से सिंगल के ऊपर निर्भर है दोनों बल्लेबाज। अजय उपाध्याय दो पर, परिद एक पर खेल रहे हैं, रन सिंह के चार रन बगैर किसी नुकसान के, जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है। वैशाली रेंजर्स बनाम आनंदगढ़ टाइटन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। प्रमेय गेंदबाजी कर रहे हैं, चार गेंदों में चार रन इन्होंने खर्च किए हैं, फील्डिंग के जमाउ डेके फ्लैंक स्लिप पॉइंट कवर स्ट्राइक कवर, अब लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, तो ऑफ साइड पर इस वक्त अगर देखें तो चार खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर पांच खिलाड़ी, बल्लेबाज फरीद के लिए। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए, खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्ले बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी लेकिन एक बार फिर आगे गेंद थी, स्लॉट में थी, प्लॉट के बाहर बेचते हुए। गेंदों में 60 रनों की जरूरत है, पहले ओवर में अगर आपने 16 रन बनाए हैं तो बिल्कुल वो फ्लाइंग स्टार्ट है। बेहतरीन बल्लेबाजी फरीद द्वारा, एक गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की तरफ खेला था, खूबसूरत छक्का था, उसके बाद में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया था। फैजान के हाथ में गेंद, इनको मौका मिलता बा
अब चक्र देखिए पैजान के ऊपर दबाव आएगा क्योंकि पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा हुआ है। आगाज अगर अच्छा है क्या अंजाम खूबसूरत हो जाएगा वो देखना बहुत जरूरी। वैशाली रेंजर्स ने रन तो बहुत अच्छे बनाए हैं लेकिन डिपेंड करने के लिए आपके पास जो गेंदबाज है उनको स्ट्राइक करना बहुत जरूरी। ये सारे नौजवान इस क्रिकेट का खेल का लुभ उठाते हुए बहुत ही जबरदस्त माहौल इस प्रतियोगिता में यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 5। प्रमेय के पहले ओवर में स्टार्ट प्रमेय ने बहुत अच्छा किया था लेकिन फरीद ने फिनिश अच्छा किया। आखिरी दो गेंदों पर 12 रन आए और लगातार दो छक्के फरीद के बल्ले से। फरीद के अंदर 13 पर 3 गेंदों का सामना किया। अच्छा स्ट्राइक रेट अजय उपाध्याय ऑन स्ट्राइक। क्लीन बॉल ज्यादा सफल हुए थे। सौ सोनार की एक लोहार की चारों खाने चित कर दिया। बढ़िया तरीके से पैसा ने देख लिया था, टेलीग्राम मिल गया। बॉल डिलीवर होने से पहले आप एक बार फिर ज्यादा शफल हो जाते हैं तो ट्रिगर मूवमेंट ये था, ऑफ टाइम के बाहर आप खड़े थे और टेलीग्राम फैजान को मिला। फैजान ने इस मुकाबले में डाली है जान। रन संख्या 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर और पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए फैजान नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए। तौसीफ इनके ऊपर बंदी गाय रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड का नंबर है, रिकी पांडे का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है और इसी नंबर पर बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा रन भी बनाए हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है बल्लेबाज तौसीफ के ऊपर। फरीद 13 पर खेल रहे, अजय ने बनाया 2 रन, फैजान के लिए विकेट मिलता बा और इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ने वाला है। फैजान तैयार। यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन इन एसोसिएशन विद ओशिवरा स्पोर्ट क्लब प्रेजेंट यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 5। इस बार ऑफ टर्न के बाहर जाके गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर अक्रॉस द लाइन लगातार दूसरा झटका। फैजान इस मुकाबले में बिल्कुल जान डालते हुए 2 शिकार किए हैं। दूसरे विकेट का पतन, बहुत अच्छी गेंदबाजी फैजान द्वारा। देखिए बल्लेबाज ऑफ टर्न के बाहर आए थे और एक बार फिर टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास किया गया। लीडिंग एज लगा और अपने फॉलो थ्रू में फैजान ने बहुत अच्छा कैच लिया। लगातार 2 छटके। लगातार 2 विकेट, इसका मतलब ऑन हैट्रिक इस वक्त फैजान कीर्तिमान के दहलीज पर है। मधुसूदन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। खेल बदला है, क्रिकेट का खेल एक बार फिर बदलता हुआ। ओहो अच्छी गेंद, सवाल पूछा गया। देखिए पहले ओवर में 16 आए थे, उसके बाद में लगातार 3 झटके, 3 शिकार किए हैं फैजान ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं ने बल्लेबाज जुनेत। ओ अनप्लेबल अनप्लेबल, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल गेंद हरकत कर रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। 22 का इशारा करते हुए ऑफिशियल अंपायर रहा और ये गेंद बहुत बढ़िया थी। आगे वाले को पीछे खेल रहे, पीछे वाले को आगे खेल रहे, वो थोड़ी समस्या है।
ये गेंद बिल्कुल आपको आगे खेलना था, फ्रंट फुट पर आके ड्राइव करने की जरूरत थी, इस गेंद को आपने बैक फुट पर खेलने का प्रयास किया, लेकिन प्रशंसा करने चाहिए फैजान की, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर जुनेद और फरीद को एक बार पारी को संवारना है। फरीद का स्टार्ट अच्छा, आगाज बहुत अच्छा है, लेकिन फैजान अभी तक अगर देखे तो 4 गेंदों में इन्होंने ज्यादा कुछ खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अच्छा स्टोक ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, सुप्रिया ने गेंद को रोक लिया है, लेकिन जब तक सुप्रिया ने इस गेंद को रोक लेते एक बार फिर वाइड फील्डिंग करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इतनी लाइन के साथ 1 रन मुकम्मल किया है। ओवर दूसरा प्रगति पर है, रन संख्या 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज फैजान बॉलिंग मार्ग पर, अभी भी वही कहानी, ज्यादा गेंद की तरफ नहीं आ रहे हैं, बैक फुट पर खेलने की कोशिश और अच्छी सोच, अच्छा इंटेंट फैजान का आगे खिला रहे हैं। पैसे को कुबे की तरफ जाना होता है, पैसा एक बार फिर देखे, एक बार फिर इंपॉर्टेंट मैच है, इस मुकाबले की बात करें तो गेंद की तरफ जाके आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है। एक सफल ओवर बहुत अच्छा रहा, 2 ओवर के बाद 19 रन पहले ओवर में आए थे, कुल मिलाकर 16 रन, कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन इस ओवर में फैजान ने 3 विकेट चटकाए, 3 शिकार किए हैं, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन और हैट्रिक पूरी करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी। 24 गेंदों में 57 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक अच्छा बैटर मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है, वैशाली रेंजर्स और आनंद नगर टाइटन के बीच काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए 70-70 के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। 19/3 चेसिंग टारगेट ऑफ 76 रन, करंट रन रेट 9.50 का है। बिड्डी की जमाउट देखे इस वक्त फ्लाइंग स्टिप पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्रक कवर पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ ऑन साइड पर अगर देखे तो लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी है, डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, लाल मोहम्मद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्टोक अच्छा ऑन साइड पर खेलते हुए बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ। बल्लेबाज जुनेद और फरीद को साझेदारी को एक बार फिर बनाने की कोशिश, साझेदारी एक बार फिर बनानी चाहिए क्योंकि वह 3 विकेट गिर चुके हैं। पहले ओवर में फ्लाइंग स्टार्ट, दूसरे ओवर में गेंदबाज का कमबैक, लाल मोहम्मद को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। रन संख्या 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर इस वक्त फील्डिंग के जवाब देखे, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, फाइन लेग पर खिलाड़ी, फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी, दायरे के अंदर पॉइंट कवर, उसके साथ लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। ओ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अंपायर हमारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच मैदान के अंदर अगर देखे तो 4 मिस्टर एक्स्ट्रा है। 21/3 इस बार हवा में खेलते हुए मिस्टैंक स्ट्रोक है, लेकिन स्क्वायर लेग के खिलाड़ी बहुत दूर, दायरे के अंदर गेंद गिरी है, स्क्वायर लेग और मिड विकेट बहुत दूर गेंद से, नो मैट लाइन में गेंद गिरती है। अभी रन संख्या फिलहाल सिंगल के साथ एक बार फिर आ गए, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए या सिंगल या डबल आया, इस वक्त 2 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने, मिस्टर स्ट्रोक था, अच्छी गेंदबाजी लाल मोहम्मद द्वारा, कल भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, केवल 3 रन दिए थे, जब एक बार फिर उनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं था, नब्बी तुली गेंदबाजी की थी, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज लाल मोहम्मद तक ज्ञान। इस बार उछाला है ऑन साइड पर, खिलाड़ी एक बार फिर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उनके पास कोई मौका नहीं है, क्या जबरदस्त स्ट्रोक, कड़क शॉट खेला गया, हवा और उसके बाद में चल लिया बल्ले के बीचों बीच खेलते, आवाज बहुत अच्छी आई और उसके बाद में भागने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ ये अच्छी गेंद, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाते हुए इस वक्त फाइन लेग क्षेत्र की तरफ, 1 रन का इजाफा। हमारे महानुभाव अब्दुल रहमान खत्री
पधार चुके हैं, आपका स्वागत है, वेलकम तट्टीपत्री। इस बार थोड़ा इनसाइड आउट खेलने का जो प्रयास किया गया था फंस गए बल्लेबाज। तो इसीलिए एक बार शरीर का अच्छा संतुलन नहीं था, सरफराज ने बहुत अच्छा कैच लिया। देखिए एक बार फिर इनसाइड आउट खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से और सरफराज कहां कैच छोड़ने वाले, सेलिब्रेशन करने का मौका मिला 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लाल मोहम्मद 5 गेंदों में 11 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट इन्होंने चटकाया है। जुनैद का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, इन्होंने बनाए 2 रन, लेकिन एक गेंद पर फरीद लड़ रहे अपने टीम के लिए। बहुत अच्छी पारी अपने टीम के लिए जरूर इन्होंने अभी तक खेली है। तीसरा ओवर हमारे महानुभाव श्रीमान जयेश शाह मंच पर पधार चुके हैं। सर आपका दिल के गहराई से स्वागत है, वेलकम। बैकफुट चले गए, ऑनसाइड पर गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। सुप्यान ने गेंद को एक बार फिर फील्ड किया लेकिन बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने के लिए। सिंगल के साथ स्कोर 31-4 विकेट के नुकसान पर है। यह खूबसूरत ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं और इस खूबसूरत ट्रॉफी के लिए मैदान के अंदर वो बैटल चल रहा है। लाल मोहम्मद के ओवर में आए 12 रन, इन्होंने चटका 1 विकेट। फरीद बहुत अच्छी पारी खेल रहे, 23 पर 7 गेंदों का सामना किया है, 6 रनों का लक्ष्य है। अब जाकर देखे ये 3 ओवर का खेल, 4 विकेट गिरने के बाद अगर देखे तो थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर है, लेकिन फरीद बहुत अच्छी पारी खेल रहे, उनके ऊपर सबकी निगाह रहेगी। 18 गेंदों में 45, ये सारे ग्राफिक्स अपडेट 70-70 के माध्यम से आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हुए। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड नीड 45 रन टू विन दिस मैच। फरीद और जावेद मैदान के अंदर और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जावेद आए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, फैजान फैसले की घड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉडी मार्क पर तैयार। 18 गेंदों में 45 चाहिए। इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, यहां एक बार फिर आसान मौका था, खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे, सोहेल ने कैच छोड़ दिया है। अच्छे खिलाड़ी मैं जानता हूं लेकिन एक बार फिर ये गेंद के थोड़ा सा ऑफ टंप के बाहर थी, ऑन साइड पर जरूर खेल दिया था, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में आसान कैच सोहेल ने छोड़ दिया है। पकड़ो कैच, जीत तो मैच, कैचेस विन द मैच। इस वक्त अगर देखे अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, ये अच्छी गेंद थी, एक बार फिर आपको मिले, एक अवसर बन गया था, सोहेल ने एक बहुत बड़ा जो कैच था वो छोड़ दिया है। 32 पर 4 फैजान तैयार, पहला ओवर बहुत अच्छा रहा, पहले ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, 3 विकेट चटकाए हैं। एक बार फिर इसका मतलब है इनका जो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, फॉर्म में खिलाड़ी है। स्किन को ड्राइव किया बढ़िया तरीके से, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी फील करते तब तक एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सरफराज ने एक बहुत अच्छा कैच लिया था, वही खिलाड़ी इस वक्त आप पिक्चर में देख रहे हैं, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे हैं। 33-4 विकेट के नुकसान पर 33 पर 4, जैसे का टारगेट 76 रन। फैजान अब अग्नि परीक्षा, एक तरफ स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज जावेद, अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा। इनकी लेंथ बहुत अच्छी है, दिशा पर कंट्रोल है, वेरिएशन अच्छा कर रहे हैं और 3 विकेट प्राप्त करने के बाद देखिए क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। ऊपर द विकेट टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए गेंद, हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा। ये फुल टॉस गेंद थी, ऑकवर्ड पोजीशन में आए थे बल्लेबाज जावेद, ऑन साइड पर खेलना तो चाहते थे लेकिन शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था। गेंद इस वक्त जाते हुए स्क्वायर लेग क्षेत्र में 34 विकेट के नुकसान पर। ये सारे दर्शक जो है इस वक्त, तमाम दर्शक इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट है। 34 विकेट के नुकसान पर 9.26 के अवसर से रन बनते हुए फैजान का यह ओवर बहुत अच्छा साबित हो रहा है। दोबारा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर, प्लेयर टू वॉच आउट फरीद,
बार भी हवा में गेंद है, आवाज तो बहुत अच्छी आई लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी और छोड़ दिया कैच। प्रमेय गेंदबाज है, बिल्कुल इस वक्त बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। आसान कैच था, कैच लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये मेरे हिसाब से लड्डू था, देखिए ये बाइक पर फिर ताकतवर शॉट था, ज्यादा ऊपर गेंद चली गई, एलिवेशन ज्यादा था, प्रमेय ने आसान कैच छोड़ दिया। भाई ये लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। 76 रनों का आप एक बार फिर सामने से बल्लेबाज पीछा कर रहे हैं और एक सेठ बल्लेबाज का आपने क्या छोड़ा है। सेठ बल्लेबाज अगर इनको जिम्मेदार मिलेगा तो बहुत खतरनाक एक बार फिर वो खिलाड़ी है। 35-4 विकेट के नुकसान पर है, 14 ओवर प्रगति पर है। बार बार आप गलतियां कर रहे हैं, सोहेल ने क्या छोड़ा, प्रमेय ने क्या छोड़ा है और दूसरा जीवनदान मिला है। ये गेंद देखे एक बार, और थोड़ी सी ऑफटम के बाद थोड़ी हरकत करते हुए गेंद, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हमला करने का प्रयास गेंद को खेलना चाहते थे यह खिलाड़ी जो प्रमेय के सर के ऊपर से, लेकिन एक आसान कैच छोड़ दिया है। चौतीस चार विकेट के नुकसान पर है और 10 गेंदों में केवल 5 रन खर्च किए हैं भाईजान ने, 3 विकेट चटकाए। हैट्रिक पूरे करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज परित 24 पर कहते 8 गेंदों का सामना किया, मैदान के अंदर एक जबरदस्त बैटल चल रहा है, अच्छा संघर्षपूर्ण मुकाबला, दूधिया रोशनी में यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फैजान तैयार। इस बार हवा में खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है और तीसरा कैच, एक बार नहीं दो बार, तीसरी बार क्या छूटता हुआ, क्या छूटा है, सपना ना टूटे, सपना बहुत बड़ा है। जिस तरह से यह मुकाबला देखे इससे बेहतर फैजान नहीं कर सकते। सोहेल ने दूसरी बार क्या छोड़ा है, इससे पहले प्रमेय ने क्या छोड़ा था, यह तीसरा कैच, यह भी आसान था, आसान कैच को कठिन बनाते हुए। और फरीद ऐसा लग रहा है कि जेब में वो नसीब लेके घूम रहे हैं, आपको एक बार नहीं दो दो बार जीवनदान मिला है। बिल्कुल एक बार फिर आपने कैच छोड़ा, ये मैच ही छोड़ा है, इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर, फरीद को जीवनदान मिल रहा है। देखिए एक बार फिर इनको लगा कि ये कैच हो गया है लेकिन सोहेल ने कैच छोड़ा। 35-4 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, शरारत करते हुए गेंद और विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए, और जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन फैजान द्वारा, 2 ओवर 6 रन और 3 विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी जरूर की। थोड़ा अगर फील्डिंग में बेहतर प्रदर्शन होता तो यहां से आंकड़े कुछ और हो सकते थे, लेकिन दोस्तों क्रिकेट जो है ना वो अगर मगर से नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट मैच आप देख रहे हैं मैदान के अंदर, आनंदगढ़ टाइटंस और वैशाली रेजर्स के बीच। अब जाकर समीकरण देखें, 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है और प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है। और बैटिंग पावर प्ले का इशारा मैदान के अंदर, 12 गेंदों में 41 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। अब चैलेंज होगा बल्लेबाजों के लिए, सेठ बल्लेबाज आपके पास है, फरीद के ऊपर सबके में निगाह रहेगी। 9 गेंदों में 25 पर खेल रहे हैं जावेद, 3 पर खेलते हुए और कमाल की गेंदबाजी बा फैजान द्वारा, 2 ओवर 6 रन एंड 3 विकेट, ब्यूटीफुल बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय फैजान। प्रमेय एक बार फिर पिक्चर में, जिन्होंने कैच छोड़ा था, सुहेल के ऊपर भी निगाह रह गई, 2 कैचेस उन्होंने छोड़े, कुल मिलाकर 3 कैचेस आपने ड्रॉप किए हैं। ये एक बार नजारा देखे, ये विंगम दृश्य बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं जोगेश्वरी में, वीरा देसाई का ये मैदान, म्युनिसिपल ग्राउंड मैदान के अंदर देखे तो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त माहौल, अच्छा मौसम, 35 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत, प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर, प्रमेय को मौका मिलेगा। पहले ओवर में महंगे साबित हुए, पहले ओवर में 16 आए थे, परी 25 पर खेल रहे हैं, फील्डिंग की जमावट, फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर, उसके साथ एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, और पहली गेंद अंपायर का क्या इशारा होगा, नियंत्रण नहीं था, नो बॉल का इशारा। तो ये एक बार फिर देखिए कंट्रोल नहीं था प्रमेय का, गति परिवर्तन करना चाहते थे, गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर भी जाते भी। अब मौका है बल्लेबाज को दे घुमा के खेलने के लिए,
उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच फरीद का तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर। और ये लगा यूजिपल सिक्सर, मैच में कमबैक करने के लिए एक बार फिर बल्लेबाज फरीद भी तैयार है, 31 पर खेल रहे हैं। आपने इनको मौका दिया, एक बार नहीं दो बार दिया, तो उसके बाद में बल्लेबाज आपको कहां छोड़ने वाले। अरे प्रमेय की बात करें तो पहले ओवर में इन्होंने 16 रन दिए थे, महंगे साबित हो रहे थे, तो उसके बाद में एक बार फिर इनको मौका दिया, लेकिन पहली गेंद पर स्वैग से करेंगे स्वागत। क्या खूबसूरत और जबरदस्त स्ट्रोक था, दमदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज फरीद द्वारा। आंखों के सामने खिलाड़ी, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, वो ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्लेबाज थोड़ा शफल हुए थे। इस ओवर की बात करें तो क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया, ऑकवर्ड पोजिशन में आए थे बल्लेबाज फरीद। फुल टॉस गेंद हवा में है, हवाई फायर जारी है, फरीद सबके ऊपर भारी है, मैदान के अंदर खूबसूरत और शानदार छक्का। चार विकेट के नुकसान पर ये पिक्चर में खिलाड़ी देखे गेम चेंजर है, शानदार तरीके से अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों में, टेक्निक बढ़ गया। उसके बाद में देखिए मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है उनके पास कोई मौका नहीं था, एक दर्शनीय स्ट्रोक फरीद का, 37 पर खेल रहे, 12 गेंदों का सामना किया। अब प्रेशर गेंदबाज की तरफ जाता हुआ, पहली दो गेंदों की कहानी देखे तो जबरदस्त खेल मैदान के अंदर बल्लेबाज द्वारा, और प्रमेय संघर्ष कर रहे, संघर्ष एक बार फिर जारी है। प्रमेय की अगली गेंद फरीद के लिए, ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर जाते भी, अभी तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं मिस्टर एस्ट्रा से, रन संख्या फिलहाल बढ़ती भी। अरे मैच में अब आनंद नगर टाइटंस ने वापसी का बिगुल बजा, देखिए कहां गेंदबाजी कर रहे हैं, ब्रॉकआउट में जाना चाहते थे, ऑन द टोज गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन नियंत्रण नहीं है, दिशा पर कंट्रोल नहीं है। 49 चार विकेट के नुकसान पर ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, बल्लेबाज इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेन गेंदबाजी कर रहे हैं। ये एक बार फिर देखे ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल छठे स्टंप की तरफ गेंद, बल्लेबाज थोड़ा शफल हुए थे। इस ओवर की बात करें तो एक इवेंटफुल ओवर मैदान के अंदर चल रहा है, 49 चार विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रमेय तैयार। एक ब्रोकल में गेंद, अच्छी गेंद है, दारी के अंदर खिलाड़ी मौजूद, रन आउट के तौर पर एक बार की क्या विकेट आएगा, नहीं देखने वाली बात, या सुरक्षित है, बहुत अच्छी रनिंग विद द विकेट, रन संख्या फिलहाल स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है, और 50 रन चार विकेट के नुकसान पर। ब्रोकल में अच्छी गेंद थी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी प्रमेय द्वारा, और इसकी जरूरत है, 50 चार विकेट के नुकसान पर, तो इसका मतलब इस ओवर की अभी भी दो गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। लाइव टेलीकास्ट 70-70 के माध्यम से जावेद 3 पर खेल रहे हैं, अभी तक फरीद ने 14 गेंदों में 38 रन बनाए हैं, एक जबरदस्त पारी, जिम्मेदारी से भरी हुई पारी इन्होंने खेली है। ऑफ टाइम के बाहर लो पुल टॉस गेंद थी, स्टक कवर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी बिल्कुल यहां मौजूद है, स्टक कवर पर अच्छी फील्डिंग हुई है, तो पांचवें ओवर का खेल, रन संख्या 51 चार विकेट के नुकसान पर, शानदार और जबरदस्त खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। और इस ओवर की बात करिए, एक बार फिर प्रमेय के दो ओवर का खेल अगर देखे तो 32 रन दिए हैं, 6 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष, क्रूशियल मुकाबला। अमित गुलतकर, अमित सर, सुशांत सर,
सुशांत सर प्लीज एक बॉल अभी भी शेष। तो छह गेंदों का खेल अभी भी शेष है। फरीद ऑन स्ट्राइक, बहुत अच्छी पारी अभी तक इन्होंने खेली है और टप्पा खाने के बाद बिल्कुल बाहर की तरफ निकली गेंद। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। सोहेल आए हैं जो एक बार फिर अच्छा मिश्रण करते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए। कैच बिल्कुल छोड़ा है लेकिन गेंदबाज के तौर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पिछले चार पांच साल से रहा है। ओह बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर था, सवाल पूछा गया था। अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर बिल्कुल होते भी अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। पहले दो गेंदों पर अगर देखें तो बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। चार गेंदे 26 रनों की जरूरत है। वैशाली रेंजर्स इस मुकाबले में कम बैक करते हुए। फरीद ने 38 रन बनाए हैं, 16 गेंदों का सामना किया है। लेग ब्रेक गेंद छोटी थी, बैकवर्ड पर जाके गेंद को ऑन साइड पर रखा, जरूर खेला गया था लेकिन रन नहीं बना पा रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा। सोहेल ने कैच छोड़ा था लेकिन इस मुकाबले में क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। छठा ओवर प्रगति पर है, प्रेशर पूरी तरह से आनंद नगर टाइटंस के ऊपर। 76 रनों की जरूरत थी, अभी भी आपके पास तीन गेंदे हैं और 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इसका मतलब बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा सोहेल द्वारा। सोहेल अच्छा प्रदर्शन आज रहा है फैजान का इस अग्नि परीक्षा में, बिल्कुल वो पास होते हुए। अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद लिया कैच। सरफराज अली ने बहुत अच्छा आला कैच लिया है। बॉलिंग बाय सोहेल इस ओवर में अगर देखें तो चार गेंदों में केवल एक रन दिया है और बेशकीमती विकेट, प्राइसलेस विकेट फरीद का। 17 गेंद में 38 रन बनाए फरीद ने। आखिर तक एक बार फिर लड़ने की कोशिश इन्होंने जरूर की लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए हैं। चार गेंदों में केवल एक रन दिया है सोहेल ने। जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकवर्ड जाके गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग। वैशाली रेंजर्स इस प्रतियोगिता में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए। आनंद नगर टाइटंस इस वक्त हार के कगार पर। वैशाली रेंजर्स जीत की दहलीज पर, जीत की सुगंध आ रही है। लेग ब्रेक बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया था। टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में